हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि रोड इतनी ज़्यादा टूटी है और इतना ज़्यादा गंदा रोड है, इस बात का अंदाज़ा मुझे तो नहीं था। हाँ, आमिर भाई लोगों को इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन उन्होंने भी हमें इस चीज़ का मशवरा नहीं दिया कि हमें बाइक पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो है 4x4 जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारी 4x4 है। तो अभी भाई आए हैं बाइक पे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था और मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा डेंजरस था। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हमने बड़े ईमानदारी से ड्राइविंग की है, बड़ा मज़ा है। बाइकें हमारे पास अलहमदुल्ला अच्छी हैं, तो अच्छी तरीके से हम आ गए हैं, स्टे करते हुए हैं, दो तीन स्टे किए हैं रस्ते में, तो हम इजीली पहुँच गए। तो अगर इन फ्यूचर अगर भाई हमारे साथ आए तो क्या मशवरा? हाँ बिल्कुल आए, लेकिन बाइक आपके पास 1-5 नहीं होना चाहिए, यामा की बाइक होनी चाहिए और सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन, एक बाइक के ऊपर एक पर्सन होना चाहिए। सजेस्टेड यही है कि आप जो है ना जीप पे, नहीं तो जीप पे, नहीं तो जीप पे। अगर दो बंदे हैं तो फिर भाई आप जीप के ऊपर आए, फिर रिस्क ना ले, दो बंदे नहीं चढ़ सकते। जी प्यारे भाई आप बताएं अपना। बड़ा मजा आया यार, फुल एंजॉय करते आए इंशाल्लाह ताला। बाइक राइड जो हमारा एक्सपीरियंस है ना अच्छा रहा यार। वो पानी पड़े पड़े टकर पानी से ना पानी उला पानी से यार। भाई आप बताएं यार, साजिद भाई आप साजिद भाई को भी दिखाइए। अभी ये कह रहे हैं मज़ा आया, मुझे जितनी टेंशन हुई है ये मुझे पता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये लोग जो है ना, मैं पहली बार आया हूँ और ये काफ़ी बार आए आ चुके हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है। मैं सोच रहा था कि पता नहीं यार इतना खतरनाक रास्ता, अभी अभी पहुँचेंगे भी। जा रहे हैं अपनी तैयारी पूरी करके, लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट, अभी भी अभी पहनने लग जाकर।